किसी इंसान के कान में कोई मक्खी, चींटी, मच्छर, कॉकरोच या फिर कोई कन खजूरा जाने के किस्से अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान के कान में एक सांप चला गया ये शायद आप पहली बार देख रहे हैं। जैसे मैं इस वीडियो को देखकर विश्वास नहीं कर पाया कि आखिर एक इंसान के कान में सांप कैसे घुस सकता है, शायद ये वीडियो देखकर आपके भी मन में यही सवाल उठ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो का असली सच आज हम जान ही लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की के कान में सांप घुस गया है और दूसरा आदमी इस सांप को बाहर निकालने की कोशिश नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा कर रहा है। और मजे की बात तो यह है कि इसके चलते लड़की को किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हमारी आंखें, मुंह के अंदर का भाग और कान इतने सेंसिटिव होते हैं कि जरा सी भी चीज अंदर जाने का आभास हमें तुरंत होता है। फिर कान में तो किसी भी तरह की जगह नहीं होती और न ही कान का होल इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें किसी भी तरह का सांप अंदर चला जाए। चलो एक बार मान लेते हैं कि सचमुच ये सांप कान के अंदर घुस गया है, तो जाहिर सी बात है कि पूंछ के बल नहीं बल्कि मुंह के बल ही घुसा होगा। फिर पूरा अंदर जाने के बाद इसने फिर से मुंह कान के बाहर कैसे निकाला, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बहुत से लोग इस वीडियो को और सांप को फेक बता रहे हैं, लेकिन इसमें दिखाया गया सांप तो ओरिजिनल है और ये वीडियो भी भारत में बनाई नहीं बल्कि किसी दूसरे देश की लग रही है। जब ये आदमी सांप को निकालने की कोशिश कर रहा है तो सीधा मुंह को पकड़कर सांप को बाहर खींच सकता था, लेकिन ऐसा करने की बजाय वह सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ वायरल होने के लिए इस बेजुबान जू के साथ खेला जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने इस सांप की गर्दन को काटकर इस लड़की के कान में प्लांट किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।